तुम व्यूवर्स, आज की स्टूडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी पोजीशंस आई हैं, इसमें कमीशन्ड ऑफिसर कैसे अप्लाई करना है, इसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है, इसमें सैलरी पैकेजेस क्या हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में आज की मिलेंगे। सबसे पहले आपने इधर आ जाना है गूगल पर, इधर आपने सर्च करना है PAF पाकिस्तान एयरफोर्स जॉब्स 2023 एज कमीशन ऑफिसर बाई एक्सपर्ट जॉब्स 24.pk। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे पहले नंबर पर ये वेबसाइट आ जाएगी, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ये जॉब पब्लिश हुई है 13 अगस्त को, इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त है। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो मल्टीपल हैं और जॉब लोकेशन है पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पोजीशन है कमीशन ऑफिसर है, जनरल ड्यूटी पायलट है, एयर डिफेंस कोर्स है, लॉजिस्टिक कोर्स है, एजुकेशन ब्रांच है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच है, अकाउंट्स ब्रांच है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, एमए, बीबीए, एमबीए, बीई, एमएससी, बीएस वगैरह। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक है। इसमें जो परमानेंट कमीशन है, जो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इनकी मुकम्मल तफसीलात है। 156 जनरल ड्यूटी जो पायलट है उसके लिए जो एज होनी चाहिए 16 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए, नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, मैरिड जो स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए, हाइट जो होनी चाहिए मेल की वो मिनिमम 5 feet 4 inches यानी कि 163 centimeters, और जो वीयर होनी चाहिए वो 6x6 eye होनी, मतलब कि ग्लासेस ना लगे हों, सही परफेक्ट उसकी आईज हों। जो और जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद मिनिमम 60% उसके मार्क्स होने चाहिए किसी भी FSC में या A लेवल में, FSC प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल में, A लेवल विद फिजिक्स किया हो, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, FSC विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। किसा जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 साल है। इसके नीचे ही 102 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, जो इसके लिए एज है जो 16 से 22 साल है, नेशनैलिटी मेल या फीमेल सिटीजन हो पाकिस्तान होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होनी चाहिए, हाइट मेल जो है वो मिनिमम 5 feet 4 inches यानी कि 163 centimeters, और जो हाइट फीमेल है उसकी मिनिमम 4 feet 10 inches यानी कि 147 centimeters। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो FSC प्री इंजीनियरिंग और A लेवल या फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री विद एक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग, FSC विद मैथ फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आर लेवल फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस विद इक्विवेलेंस ऑफिसर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग डिग्री इन एवेन्यूएक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 साल है। इसके बाद आ जाता है 112 एयर डिफेंस कोर्स, इसके लिए भी 16 से लेकर 22 साल के दरमियान एज होनी चाहिए, नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस बंदा अनमैरिड होना चाहिए। इसके लिए जो हाइट दरकार है वो 5 feet 4 inches यानी कि 163 centimeters। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की हो या कंप्यूटर साइंस भी चल सकती है। ए लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी की हो, FSC विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी। इसका भी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 साल है। उसके बाद आता है 31 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स, इसके लिए भी जो एज दरकार है वो 16 to 22 years है, नेशनैलिटी मेल है, बंदा अनमेरिड होना चाहिए, मैरिटल जो स्टेटस है, हाइट मेल वही 5 feet 4 inches यानी कि 163 centimeters। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, ए लेवल अगर किसी कैंडिडेट ने किया हुआ है तो वो फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद FSC विद फिजिक्स एनी टू सब्जेक्ट्स है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें इसका भी जो दुरानिया है ट्रेनिंग का वो 4 साल है। इसके बाद आ जाता है 14 लॉजिस्टिक्स कोर्स, इसका भी 16 to 22 years एज होनी चाहिए, नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, जारी बात है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाइट जो मेल है वो मिनिमम 5 feet 4 inches यानी कि 163 centimeters। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दरकार है वो FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, या जो ए लेवल का जो स्टूडेंट है उन्होंने फिजिक्स मैथ्स या कंप्यूटर साइंस की हो, या फिर FSC विद फिजिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट्स कोई भी सब्जेक्ट हो। इसका भी जो दुरानिया है ट्रेनिंग का वो 4 साल का। इसके बाद जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, वो 156 जनरल ड्यूटी पायलट GDP SSC फीमेल के लिए जो है वो एज 16 to 22 years है,
नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, जो मैरिड स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए, हाइट जो उसकी होनी चाहिए मिनिमम 5 फीट 4 इंचज होनी चाहिए, और वीएन जो है 6x6 ईच आई विदाउट ग्लासेस, मतलब कि ग्लासेस के बगैर उसकी आंखें परफेक्ट हो, उसको नज़र सही आता हो। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो FSC प्री इंजीनियरिंग की हो या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस। ए लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इसके बाद FSC विद फिजिक्स और एनी टू सब्जेक्ट्स कोई भी, इसका भी जो दुरानिया वो 4 साल का। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन ब्रांच 132 CSE SP SSC। इसकी जो एज है वो 21 to 30 ईयर्स है। इसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मेरिटल स्टडी बंदा मैरिड भी हो चल जाएगा या ना भी मैरिड हो फिर भी चल जाएगा, दोनों कंडीशन में बंदा चल जाएगा। हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंचज। रैंक इसका होगा फ्लाइंग ऑफिसर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैथमेटिक्स में BS 4 साल किया हो या MS मैथ किया हो। दूसरे नंबर पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस BS 4 ईयर्स MS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BS MS इन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिटी। इसके बाद नंबर 3 है इंटरनेशनल रिलेशंस BS 4 ईयर्स इंग्लिश है BS 4 ईयर्स इस्लामिया आदा MA BS इस्लामिया एंड दरस निज़ामी। नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकेंड डिवीजन आर 2.5 CGPA फ्राम आ रिप्यूटेड पाकिस्तानी फॉरन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ट्रेनिंग पीरियड इसका 24 वीक्स। इसके बाद है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स। इसकी जो एज है वो 18 to 30 ईयर्स। इसमें नेशनैलिटी पाकिस्तान है, इसमें बंदा मैरिड हो अनमैरिड हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है मिनिमम 5 फीट 4 इंच है। रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर। क्वालिफिकेशन है BS साइंस सब्जेक्ट्स 4 साल, BS सिविल इंजीनियर है, BE सिविल है विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन एंड पब्लिक PEC। नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड। इसका भी जो ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स है। इसके बाद लॉजिस्टिक ब्रांच है, अकाउंट्स ब्रांच है, फिर MET ब्रांच है, इसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह रीड कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें सिलेक्शन कैसे करवानी है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं www.joinpf पे। इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट है जोन से है ई टेस्टिंग के, वो जनरल ड्यूटी पायलट एयर डिफेंस लॉजिस्टिक एंड A&ST मतलब के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 132 CSE। इनका इंग्लिश एंड फिजिक्स, इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथ एकेडमिक टेस्ट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। इनिशियल टेस्ट एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एट IAS सेंटर। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिटेल्ड फॉर ISSP। ये मुकम्मल सिलेक्शन का प्रोसीजर लिखा है, आप इसको अच्छी तरह रीड कीजिएगा। नीचे इन्होंने लिखा अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेंड 65% मार्क्स इन FSC। ये नोट भी ज़रूर एक दफ़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद है इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अ कैंडिडेट इज इन एलिजिबल, इसमें मुकम्मल तफसीलात दी गई है कि कौन से कैंडिडेट इन एलिजिबल हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते, और ISSB के हवाले से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। इसके बाद जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसमें जो बेनिफिट्स हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज होते हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है सेल्फ का फैमिली का, ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ हो, मतलब कि मुख्तलिफ जगहों में पोस्टिंग हो सकती है बंदे की, अब्रोड बाहर भी जा सकता है, फ्री एकोमोडेशन एंड 50% इसको ट्रेन और एयर ट्रैवल में छूट मिलेगी किराए वगैरह की। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ एयरफोर्स हाउसिंग स्कीम भी है उसमें भी। इसको हाउ टू अप्लाई, मतलब कि इसको अप्लाई कैसे करना है एज कमीशनड ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स को, आपने इधर क्लिक करना है www.joinpf.government.click। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इधर इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट या इधर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन नाउ। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन नाउ, इधर लिखा है रजिस्ट्रेशन। ये 18 साल से कम उम्र के उम्मीदवार या जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है वो टेस्ट में शिरकत के लिए नादरा से अपना स्मार्ट कार्ड हासिल करें, और टेस्ट की तरीक पर अपना नादरा स्मार्ट कार्ड या टोकन, वो कह रहे हैं कि जिनके 18 साल से कम उम्र है जिनका शनाख्त कार्ड नहीं बनाया वो नादरा से जाके अपना स्मार्ट कार्ड बना के फिर अप्लाई करें। इधर आपने अपना CNIC देना है, कुछ भी मैं लिख देता हूँ। CNIC देने के बाद जो शनाख्त कार्ड का नंबर है ये शनाख्त कार्ड मैंने गलत नंबर दिया इसलिए इस वजह से वो इनवैलिड दे रहे हैं।
यार ये शांति का नंबर मैं गलत लगा रहा हूँ सर। इधर आपने CNIC डिटेल अपना नंबर लिखना है, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 कंडीशन वो बता देगा, फिर ऑफर्ड कोर्सेज हैं इधर से आप आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, आप एक दफ़ा चेक कीजिएगा। हम वापस वेबसाइट पे चलते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है मैं एक बार फिर बता दूँ, 24 अगस्त है। इसका जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है ना कमीशन ऑफिसर का, वो नीचे आप पढ़ भी सकते हैं या WW.official वेबसाइट पर जाकर भी आपको मिल जाएगा, उधर से भी आप पढ़ सकते हैं, इधर से रीड कर लीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इधर क्लिक कीजिएगा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन यूट्यूब से भी पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।